सुनो ना, पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा आप लोगों की ये शिकायत होती है कि हम पोटैटो चिप्स घर पे बना तो लेते हैं, लेकिन जो पैकेट चिप्स हम खाते हैं उसके जैसे करारे नहीं बनते, ऐसे क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। तो आज मैं आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पोटैटो चिप्स बनाना सिखाती हूँ। आप देख सकते हो घर पे हमने चिप्स बनाया है और कितना क्रंची बना है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आलू को छील लूँगी बहुत अच्छे से। एक अच्छा क्वालिटी का आलू लेना है, उसको अच्छे से छील लेना है। और उसके बाद आलू को पतले पतले करके कट कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और ग्रेटर के भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं साफ़ पानी में आलू को बहुत अच्छे से धुल लूँगी ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी स्टार्च ना रहे। तो आप देख सकते हो ये पानी में तब तक धुलना चाहिए जब तक साफ़ पानी ना दिखे। अभी देखिए पानी साफ़ नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से धोएंगे। ऐसे हो सके तो नल के अंदर भी धुल लें। इसके बाद ऐसे आप नल के अगर धो लेंगे ना, तो जितना भी स्टर्च है वो अच्छे से निकल जाएगी। और आलू में फिर आलू को 30 मिनट ऐसे पानी में, साफ पानी में भिगो के रख देना है। 30 मिनट बाद हम 1 टेबलस्पून नमक उसी पानी में डाल रही हूँ। अब फिर 10 मिनट उसको भिगो के रख दिया। अब 10 मिनट बाद इसी आलू को मैं बिल्कुल पैड ड्राई कर लूँगी, एकदम सुखा लेना है ताकि आलू के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। बेस्ट है कि आप सूरज के किरण में सुखा लें, मतलब सनलाइट में अगर सुखा लेते हो तो बहुत अच्छा है, वरना ऐसे नैपकिन में। अब मैं मीडियम फ्लेम में और मीडियम हीट में आलू को फ्राई करूँगी। और ध्यान रखें हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो जल जाएगी आलू, तो मीडियम हीट में आपको आलू को फ्राई करना है। और धीरे धीरे आलू फ्राई होते जाएगा तो वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। और हाई फ्लेम में वो जल्दी फ्राई तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्रिस्पी और क्रंची बहुत देर तक नहीं रखेगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी पाने के लिए। हो गया है, मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च ला चिप्स को सीजनिंग के लिए। देखिए कितना करारा, कितना क्रंची बना है आज का चिप्स। तो कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना।